यार आपको ये होटल आ गया, यहाँ पे हमने स्टे करना ना भैया। ये चाय शाय पीते हैं यहाँ से। आए होए रेस्टोरेंट काफी अच्छा। मेरा मैदा बंद हो यार, मैदा बंद है। अरे मेरे काम हम सुबह से ना कलाम की गाड़ी में बैठ के तकरीबन किराया इधर से इन्होंने लिया है 500 रुपया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, तो हम पहुंच गए स्वात। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इट्स योर बॉय, ठीक है। तो हम आ गए हैं स्वात, तो अभी हम जा रहे हैं कलाम। कलाम का अभी देखते हैं, या हम यहाँ स्वात में स्टे करेंगे या कलाम आगे जाएंगे। तो आपको रात का व्यू दिखाते हैं यहाँ के स्वात का। ये देखें जरा, ये देखें जरा, यहाँ पे हमने स्टे किया, वो गाड़ी हमारी खड़ी थी इधर, इन्होंने उतार दिया। तो अभी हमारा कोई सीन नहीं है, अभी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कलाम जाना है कि स्वात जाना है। और स्वात तो आ गए हैं कि रेस्ट करनी है। तो अभी ये बरार भाई बताएंगे। बरार भाई आप कमरा लेने लगे थे यार। हाँ, वैसे टेम्परेचर बताओ, हवा है ठंडी की नहीं है? इधर सीधी बात है, आवास भाई माछो भाई क्या हुआ यार आपको? ये ओ आगे जा रहा है इसका छोटा भाई, इसको छोड़ गया। तो अभी गई भाई सामान पूरा कर लो, गाड़ी उधर अभी खड़ी है। तो मेरी पोर्ट मेरे कोल है। तो अभी अभी हम रोड का ना इंजॉय कर रहे हैं, सफर वगैरह देख रहे हैं, तो काफी अच्छा है। तो अच्छा गाइस, जो चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर आगे देखते हैं क्या सीन है। अभी फिलहाल सामान आदमी ने पकड़ा हुआ है, तो अभी व्यू दिखाते हैं फ्रंट का भी। ये देखें जरा, अरे फजर की जाने हो रही है। चलो कोई नहीं यार, मस्जिद बैग रख के नमाज पढ़ने। फिर भाई सच्ची बात है यार, तो ये स्वात का होटल आ गया, यहाँ पे हमने स्टे करना ना भैया, यहाँ पे करेंगे स्टे। तो रिक्शा देखो डाको डाका, और यहाँ भी रिक्शे चलते हैं ब्रो, ब्रो रिक्शे चलते हैं यार, ब्रो रिक्शे चलते हैं यहाँ पे। ओए परा है ना, ये डन डन। तो ये गाड़ियां डाको डाका आ रही हैं ऊपर से। तो आगे आगे का प्लान क्या सीन है? और यार चाय पिए चले, ये अभी हम ये चाय शाय पीते हैं यहाँ से। आए रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, अंदर हो चाय शाय पीते हैं, फिर आगे अगली की बात देखते हैं क्या सीन है। A few minutes later, ये है कि हमारी चाय शाय आ गई। ये बंदा पराठे खाने में लगा हुआ है, ये देखे जरा, ये दोनों ही, ये मैदा बंद हो यार, मैदा बंद है। अरे मेरे काम में ना ना 12 में रोटी खादी उधर हो यार, जिना घर खादी मैं तो फ्री खाते यार, टाइम में बैठ के कुछ कुछ समझ में नहीं आई भैया, कुछ समझ में नहीं है। फिर सोला बनाएगा मैं क्या पराठा अच्छा लाविशा भाई लाविशा नाक तेरा वड्डा नजर आने अनक लावा वीडियो बंद करके भाग ना। तो अच्छा चले पानी चाय चाय पी ले, फिर उसके बाद देखते क्या सीन है। गाड़ी वो आपको दिखाती है, हर बार बसाना रोशनी गाड़ी हो रही है। तो ये देखो, आए मलिक साहब क्या देख रहे हो यार, नजारे हैं यार मलिक यार। ये देखो भाई डाको डाक जा रहे हैं, वो कितना प्यारा। हाँ 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 बहुत चंगा है ना।
10 minutes later हम सुभाष से ना कलान की गाड़ी में बैठ के तकरीबन किराया इधर से इन्होंने लिया है 500 रुपया तो अभी जा रहे हैं कलान की तरफ तो उधर उन्होंने देखा जी मतलब काफी ना अच्छा खासा टेम्परेचर है रात को ना यहाँ पे बारिश वगैरह हुई है तो मौसम चेंज है बर्फबारी का सीन है उधर टेम्परेचर तकरीबन माइनस में है तो अभी इनसे पूछते हैं भाई मौसम किस तरह का है। नहीं भाई अच्छा इन्होंने ना खिड़की से मशीर भाई ने खिड़की से 2 मिनट के लिए अपना मुंह बाहर निकाला है और इस टाइम ठंड लग रही है इनको और आखिर मुंह इसका लाल हुआ हुआ है और जो इसलिए खिड़की बंद क्यों बरार भाई ऐसा ही है ऐसा ही है सर्दी लग रही है सर्दी है अच्छा तो अभी आपको दिखाते हैं सर्दी है तो आगे आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू हल्का सा जल्की दिखाते हैं फिर शॉर्ट्स वगैरह डालेंगे इस ब्लॉग के अंदर तो आप खुद ही देखेंगे तो गुलाम जो आके मुलाकात होगी उधर लेंगे होटल रेस्ट करेंगे फिर कपड़े शपड़े चेंज करेंगे फिर आगे का देखेंगे क्या प्लान है जो भी इंशाल्लाह उधर पहुंचते हैं मंजिल पे तो उधर ही जाके मुलाकात होगी later finally हम तो आ गए कलाम तो कलाम आते सार ही हमने होटल में स्टे किया मतलब के नाश्ता वगैरह करेंगे भूख ज्यादा लगी हुई है तकरीबन 10 से चाय पी थी हमने सुबह से तो आपको भी मैं दिखाता हूं बाहर का व्यू कलाम का बड़ा प्यारा है तो अभी जाएंगे ऊपर वो जीप करवानी पड़ेगी हमें ये देखते हैं वो ऊपर जाना बर्फ पे वो ऊपर ये झील दरिया 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 तो फाइनली ब्रार भाई से पूछते हैं ब्रार भाई यहाँ पे सर्दी है कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहे हैं पैंट शर्ट पहन हाँ तो वो दोनों खड़े हैं नाश्ते का ऑर्डर देने जा रहे हैं वो दिखे जाते नहीं तो उसको भाई को ठंड लग रही है नीचे दो दो शर्टे पहन लिया जैकेट पहन फिर भी ठंड लग रही उसको देखो जरा अभी नीचे कलाम तो अभी सीन यार कुछ ये है कि हमें इतना ही पता कि इधर इतनी ज्यादा सर्दी होगी तो इधर काफी ज्यादा सर्दी है मैं तकरीबन टेम्परेचर 9 है तो स्नोफॉल का इन्होंने ये कहा है कि कुछ कह नहीं सकते ऊपर स्नोफॉल हो रही है तो क्योंकि वो आपको मैं दिखाता हूँ दोबारा जूम करके बर्फ देखे कितनी ज्यादा पड़ी हुई है ऊपर ये देखें जरा स्नोफॉल का इन्होंने कहा जी कुछ कह नहीं सकते चांस बहुत ज्यादा है स्नोफॉल के अपने आप को ना कवर कर रहे हैं तो कवर कर रहे हैं ब्रा के वो ऊपर जिस तरह मैंने व्यू दिखाया ना वो स्नोफॉल के मतलब चांसेस हैं ब्रार भाई रेडी शेडी हो रहे हैं तो फाइनली मारा आता है नाश्ता तो नाश्ता करने के बाद हमने करवाना है होटल बुक करेंगे फिर सामान वगैरह उधर रखेंगे और कपड़े शपड़े चेंज करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे स्टे करना होगा फिर स्टे करेंगे नहीं तो फिर आलम जबा की तरफ रवाना होंगे मिलते हैं नाश्ता आता है।